हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश। एक तरफ COVID-19 की लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ बच्चों के लिए एजुकेशन का बड़ा मामला चल रहा है। जी हम बात कर रहे हैं SSLC एग्जाम्स की जो होने वाले हैं 25 जून से कर्नाटका में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर एस सुरेश कुमार ने एक मीटिंग ली जहां पर उन्होंने SSLC एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना उस पर बात हुई। उन्होंने ये मीटिंग सारे DTPIs, BEOs जो कलबुर्गी, बिदर, यादगीर में थे उन सब से ये मीटिंग ली। सबसे अहम चीज़ उसमें देखी जाएगी वो है स्टूडेंट्स की सेफ्टी। टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, थर्मल स्कैनिंग सबकी होगी जब भी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर वो आएंगे, और सारा सीटिंग अरेंजमेंट्स के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा ख्याल रखा जाएगा। सुरेश कुमार जी ने कहा कि सभी बच्चों को 2 मास्क दिए जाएंगे 2 दिन पहले एग्जाम से। अब सवाल ये आ रहा है कि 25 जून से एग्जाम्स होने वाले हैं जुलाई 4 तक। वहीं आप बात तेलंगाना स्टेट की अगर बात करें तो CM KCR ने सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला किया है। SSC एग्जाम्स जो तेलंगाना के अंदर होते हैं उसमें 3 पेपर ऑलरेडी हो चुके थे और बाकी के पेपर विथहेल्ड हो गए थे COVID-19 के लॉकडाउन के चलते। उसके बाद एग्जाम्स को रिज्यूम करने का फैसला किया, लेकिन ये एग्जाम्स GHMC लिमिट्स में नहीं हो रहे थे, हैदराबाद के, सिकंदराबाद और रंगारेड्डी में, बाकी के सारे स्टेट के अंदर ये एग्जाम्स हो रहे थे। लेकिन KCR गवर्नमेंट ने कहा कि इस तरह के अगर एग्जाम्स अलग अलग फेज में होंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। इसको चलते एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन चित्र रामाचंद्र, और इसका आउटकम ये हुआ कि सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर बड़े परेशान हैं। कर्नाटका के अंदर 25 जून से एग्जाम्स होने वाले हैं, 8 लाख से बढ़कर स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स देने वाले हैं। वहीं तेलंगाना के अंदर स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के बाद लोगों के अंदर 2 राय आ जा रही हैं। एक ये कि कर्नाटक के अंदर भी तेलंगाना जैसा प्रमोशन हो जाए स्टूडेंट्स का, और कई सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई जब हम बच्चे इतनी मेहनत किए हैं तो उन्हें एग्जाम्स देना भी चाहिए। आप बताएं कि आपकी राय क्या है, क्या कर्नाटक गवर्नमेंट भी तेलंगाना जैसा डिसीजन लेना चाहिए या फिर एग्जामिनेशंस कंडक्ट होनी चाहिए।